नमस्कार, मैं डॉक्टर गोपा चक्रवर्ती रागाश्रय नादब्रह्म चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। संगीत सीखना शुरू करते ही करते दुनिया भर के शब्द हमारे पास आ जाता है। कर्ण स्वर, स्पर्श स्वर, मुरकी, खटका, आंदोलन, गमक, बाप रे क्या याद रखे और क्या गाएं। हम संगीत सीखते हैं निज आनंद के लिए, हमें भी अच्छा लगता है, लोगों को भी अच्छा लगता है, लोग भी तारीफ करते हैं, लेकिन ये सब शब्द को लेके हम क्या करेंगे, ये सब शब्दों को किस तरीके से हम समझेंगे, किस तरीके से हम प्रैक्टिस करेंगे, बहुत ही मुश्किल की बात है। आज थोड़ा सा मैं इसको आसान करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आप संगीत सीख रहे हैं तो ये सब शब्द आप जान ही गए होंगे और इनका प्रैक्टिस भी आपने शुरू कर दिया होगा, लेकिन आज मैं थोड़ा सा इसको समझाऊंगी और उसके साथ साथ इसका डेमो भी दूंगी और इसको किस तरीके से बहुत आसान तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उसके बारे में भी बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगी। लेकिन ये सारी बातें, मतलब जितने भी शब्द मैंने बोला है, ये सारी बातें अगर मैं एक वीडियो में बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। एक के साथ एक को आप मिला देंगे, एक दूसरे को आप अलग भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैंने सोचा आज थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके इसको थोड़ा शॉर्ट में, पता नहीं ये वीडियो शॉर्ट होने वाला है कि लंबा होने वाला है, क्योंकि मैं हमेशा जो वीडियो बनाना शुरू करती हूँ सोचती हूँ मैं बहुत शॉर्टकट में फिनिश करूँ, शॉर्टकट बना दूँ, लेकिन होता नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर शॉर्टकट में समझाऊंगी तो जो लोग बहुत डीपली सीखना चाहते हैं, जो लोग बहुत अच्छे से सीखना चाहते हैं, वो वंचित होंगे या उनको आधा अधूरा ज्ञान मिलेगा, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है कि अगर कोई मेरे ऊपर भरोसा कर रहे हैं, मेरे ऊपर विश्वास कर रहे हैं, तो उनका विश्वास मुझे रखना चाहिए। आज मैं शुरू करूंगी कर्ण स्वर या स्पर्श स्वर। बाकी जो भी मैंने बताया है, खटका, मुरकी, गमक, आंदोलन, इनके बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगी, आप लोग धीरज रखिए। जो शब्दों का मैंने प्रयोग किया है, ये सारे शब्दों हमें कब प्रैक्टिस करना चाहिए और इसकी क्या ज़रूरत है। पहली बात, इनको कई सारे नाम से हम जानते हैं, जैसा कि ग्रेस नोट, ऑर्नामेंटेशन, हरकतें, ठीक है। तो आज जो मैं बताने वाली हूँ इसको कर्ण स्वर भी बोलते हैं, स्पर्श स्वर भी बोलते हैं, टच नोट भी बोलते हैं। संगीत सीखने का ना दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है आप यूं ही गाइए, जब आप सुन सुन के कोई भी गाना सुन के आप गाते हैं। देखिए, संगीत सीखना शुरुआत तो आपको सुनने के बाद ही आता है। किसी को आप सुनते हैं, उनका गाना बहुत अच्छा लगता है, फिर उनके जैसे आप इमिटेट करना शुरू करते हैं, धीरे 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 आपका एक जर्नी शुरू होता है। और एक होता है बिल्कुल बिना सोचे समझे आप सीख रहे हैं, जो ज़्यादातर बच्चों के साथ होता है। बच्चे इतना सुनते उनते नहीं है, बच्चों को अपना चॉइस भी पता नहीं चलता है, क्योंकि थोड़ा बड़े होते हैं तब उनको वो सोचने का मौका आता है, तब उनको वो ज्ञान होता है कि मुझे ये सीखना है, मुझे ऐसा गाना है। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनको इतना सोचने का मौका भी नहीं मिलता है और उनके पेरेंट्स जो बोलते हैं उस तरीके से वो सीखते हैं। अब उनको ये सब ऑर्नामेंटेशन को अलग तरीके से सीखने की या जानने की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये, होता है ना कभी कभी हम बिना सोचे समझे बहुत कुछ सीख जाते हैं, वो अच्छा है, वो बहुत ही अच्छा है। लेकिन जब आपको मानो पता नहीं है, मतलब आपको पता है कि ऐसा गाने से अच्छा होगा, लेकिन ऐसा कौन सी चीज़ है कि जो करूँ कि मेरा गायन बहुत समृद्ध हो। तो हम लोग जब कोई भी गाना सुनते हैं ना, तो हम कभी कभी उसका सुर को ध्यान में देते हैं, ताल को ध्यान में देते हैं, शब्दों को ध्यान में देते हैं, ठीक है। मोटा मोटी, मतलब एक जो उसका बेसिक है, शब्द बहुत अच्छा है तो बहुत अच्छा लगता है, सुर अगर बहुत अच्छा है, मतलब मेलेडी है या फास्ट है, जो भी है, डांस नंबर है, अच्छा लगता है, और उसका रिदम पार्ट अच्छा लगता है, मतलब जो भी ताल उसमें बज रहा है वो अच्छा लगता है।
लेकिन इसके अलावा और कौन सी बात है, हम इतना ध्यान नहीं देते हैं लेकिन अच्छा लगता है। बहुत समझने की बात है ये। ऐसी कौन सी बातें हैं कि जो एक गाना को ना एकदम से अच्छा कर देता है, वो है ऑर्नामेंटेशन। उन गानों में ऐसी सब बातें छुपी हुई होती है जो हमें अलग से देखने को नहीं मिलता, पर वो हम महसूस कर पाते हैं। जिनको पता है वो समझ जाएंगे, इनके आवाज़ में मुर्कियाँ बहुत अच्छी लगती है, हरकतें बहुत अच्छी है, गमक बहुत अच्छा है। लेकिन जिनको पता नहीं है उनको क्या लगता है, वो गाना बहुत अच्छा गाता है, क्या आवाज़ उनकी है। देखिए, आवाज़ पतली हो, मोटी हो, ऊंचा हो, नीचा हो, ये एक अलग बात है। लेकिन उन आवाज़ में अगर ये काम, ये जो छोटा छोटा ऑर्नामेंटेशन या हरकतें, एक बेसिक शब्द लोग यूज करते हैं वो है हरकतें, उनकी आवाज में हरकतें बहुत अच्छी है। तो हरकतें एक चीज नहीं है, हरकतें कंठस्वर हो सकता है, मुर्की हो सकता है, खटका हो सकता है, आंदोलन हो सकता है, गमक हो सकता है, इतने सारे चीज हो सकता है। तो एक एक करके हम समझेंगे। आज मैंने जैसे कि बोला है कि स्पर्श स्वर, कर्ण स्वर दोनों एक ही है, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। देखिए, इस टॉपिक के ऊपर YouTube में बहुत सारे वीडियोस हैं, मैंने भी देखा है। वही बात है, अपने अपने समझने की बात है, अपने अपनी सोच की बात है, बात वही है, लेकिन मैं थोड़ा और इजी करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं ये नहीं कर रही हूँ कि वो वीडियोस बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में सिखाया गया, नहीं है। लेकिन मेरे जो व्यूअर्स है वो शायद मेरे से जानना चाहते हैं कि मैं क्या समझती हूँ, क्योंकि देखिए मेरे पास काफ़ी सारा कमेंट्स आते रहता है कि मैम इसको किस तरीके से गाया जाए। तो मैंने जिस तरीके से प्रैक्टिस किया है, मैं जैसे समझते वो मैं समझाऊंगी। आपने शब्द से समझ ही गए होंगे कि कर्ण स्वर या स्पर्श, स्पर्श मतलब टच, छू के आ जाना। अब जब हम लोग स्वर को सीधा सीधा लेते हैं तो उसका एक अलग डायमेंशन आता है, उसका एक अलग साउंड क्रिएट होता है। और जब हम कुछ लगावट के साथ, स्पर्श के साथ उन स्वरों को लेते हैं तो उसका डायमेंशन कुछ अलग होता है। देखिए, मैं ये नहीं कहूंगी कि आपको स्ट्रेट नोट नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है भाई, स्वर तो स्ट्रेट होगा ही, स्ट्रेट नोट लेना है, लेकिन ये नोट भी लेना है, ठीक है। तो मैं एक आध गाना मैं आपको बताऊंगी, उसके बाद मैं बोलूंगी कि इसको रियाज किस तरीके से करना चाहिए। अब देखिए, सिंपल सा जो पहला अलंकार है, सारे स्ट्रेट गाया है, ठीक है। मैं इसको ऐसे भी गा सकती हूं, सा रे गा मा पा धा नी सा। देखिए, सा रे सा मैंने स्ट्रेट लिया। अभी जरूरी नहीं है कि हर स्वर में आपको मतलब स्पर्श लेना है। हर स्वर में अगर आप स्पर्श लेंगे तो वो मोनोटोनस लगेगा। ये हम लोग क्यों करते हैं, ये जो चीज हम करते हैं क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं कि कोई भी गाना एक जैसा सुनने में ना आए, मोनोटोनस ना लगे। मैंने ये बात दूसरे वीडियोस में मिसिंग देखा, ये बात किसी ने नहीं कहा कि हर स्वर को आपको स्पर्श नहीं लेना है। देखिए, मैंने सा गाया, सिंपल सा गाया, सा। अब रे में मैं ग का कर्ण ले रही हूँ, सारे 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 ग, मैंने ग को स्ट्रेट लिया। क्यों लिया, मुझे ऐसे लगा कि क्यों मैं ग को मैं ऐसे ही सीधा लूंगी। अगर मैं हर नोट को
स्वर्स लूंगी तो वो थोड़ा सा एक जैसा सुनने में आएगा। तो मैं एक को लेती हूँ, एक को नहीं लेती हूँ, लेकिन हमेशा हमारे मर्जी के हिसाब से नहीं चलेगा, उसकी बाद में करती हूँ। लेकिन सा रे गा मा, ग भी स्ट्रेट लिया, म भी स्ट्रेट लिया, प दा भी स्ट्रेट लिया। अगर मैं सभी स्वर को स्पर्श लूंगी, सा रे गा मा प दा नी, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत वर्क करेगा, बहुत अच्छा साउंड हो रहा है। मैं किसी में लूंगी, किसी में नहीं लूंगी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, रे को ग का टच लिया, फिर ध को नी का टच लिया। अभी लेने के लिए तो बहुत कुछ ले सकते हैं। एक वीडियो मैंने देखा जिसमें बताया गया है कि रे में आप ग का ले सकते हैं, म का टच ले सकते हैं, प का टच ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि जो लोग ऑलरेडी बहुत सालों से किसी गुरु के अंडर में सीख रहे हैं और उनका प्रोफेशन ही है संगीत, या वो संगीत को ही परसू कर रहे हैं, तो उनको अलग तरीके से प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो ऑलरेडी कुछ रागों के माध्यम से, कुछ गीतों के माध्यम से, अलंकार के माध्यम से वो सब प्रैक्टिस कर लेते हैं। कहने के लिए हम कहते हैं म से कर्ण लो, ध से कर्ण लो, इधर से उधर से। यहाँ पर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रही हूँ, आप इतना कन्फ्यूज मत होइएगा। शुरुआत में आप इस तरीके से एक एक स्वर को लेके दूसरे स्वर से कर्ण ले सकते हैं। अब इसमें आप समझ ही गए होंगे कि मेन स्वर एक होता है और उसके बाद वाला स्वर या उसके पहले वाला स्वर का टच लेना पड़ता है, कर्ण लेना पड़ता है, स्पर्श लेना पड़ता है। इससे स्वर बहुत अच्छा सुनने में आता है। अब इसको किस तरीके से हम प्रयोग करते हैं, क्या हम सभी स्वर जो भी गाए उसमें हम कर्ण स्वर लेंगे? नहीं, उसके कुछ नियम होते हैं। देखिए, जैसा कि राग यमन, राग यमन में मा तीव्र आता है, नीरे गा से शुरू होता है। अब ये जो नीरे गा लेने का जो स्टाइल है, सा नीरे सा, यमन में ऐसा नहीं आता है। कैसा आता है, सा नीरे नीगरे सा नीरे गे सा गे ग मरे सा। तो मैंने क्या किया, पहले रे में ग का कर्ण लिया, फिर जब ग के बाद जब मैं रे में आई तो उसके बाद म का टच लिया। तो इस तरीके से ये एक दूसरे का सहारा लेते हुए हम स्वरों को गाते हैं। इसमें एक खास बात है, कर्ण स्वर में दो स्वरों का प्रयोग होता है, एक तो मेन स्वर होता है और जिसका टच लेंगे वो स्वर का टच लेके आपको वो स्वर को गाना है। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगला जो वीडियोस मैं बनाने वाली हूँ उसमें मैं मुर्की खटके के बारे में बताऊंगी। मुर्की में कितने स्वरों का प्रयोग होता है, खटके में कितने स्वरों का प्रयोग होता है वो मैं बताऊंगी। लेकिन पहले आपको याद रखना है कि कर्ण स्वर या स्पर्श स्वर में दो स्वरों का प्रयोग होता है, एक तो मेन स्वर होता है और जिसका आप भास लेते हैं, जिसका टच लेते हैं वो स्वर का प्रयोग होता है। मतलब दो स्वरों को आपको गाना है। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ सा नी गरे नी रे नी गरे, नहीं ले रही हूँ नी रे। तो गा को हमने उच्चार नहीं किया, गा को हमने बोला नहीं, गाया पर बोला नहीं, ना इंसाफी है ना। नॉलेज नॉलेज जो शब्द है, नॉलेज शब्द में के साइलेंट होता है। ऐसे बहुत सारे शब्द ऐसा है कि जिसमें हम साइलेंट कर देते हैं, एक लेटर को हम साइलेंट कर देते हैं, जैसे कि हमने नॉलेज में किया। ठीक उसी तरीके से जब कर्ण स्वर लेते हैं तो जिन स्वर का हम स्पर्श करते हैं
उन स्वर को हम बोलते नहीं हैं। बोलेंगे हम मेन स्वर, लेकिन उन स्वर को टच करके आ जाएंगे। ये हो गया। एक और गाना है, मुझे अभी याद आ रहा है, भीमपलासी राग में एक फिल्मी गाना है, ठीक है, देखिए। मगर सा नैनों में बदरा छाए, देखिए, नै सा नी 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 सनी, ये आया ना, नैनों नी समगर, नैनों नी समगर, नैनों में बदरा, देखा आपने कि जब हम पूरा ग्रेस नोट के साथ हम लेते हैं, वो छुपे हुए कुछ गहने के साथ हम लेते हैं शब्दों को या कोई भी लाइन को, तो उसका बात ही कुछ अलग हो जाता है। इसी लाइन को अगर नैनों में बदरा छाए, नैनों में बदरा छाए, सुर में है, मैं ताल में गाऊंगी तो ताल में भी आ जाएगा, लेकिन वो बात नहीं होती है, ठीक है, वो जो हरकत है वो नहीं होती है। इसलिए आप देखेंगे कोई भी गाना आप गाएंगे, मैं लाइट म्यूजिक की बात कर रही हूँ, मैं इसमें थोड़ा सा बाद में बताती हूँ कि किन किन गीतों में ये ज़्यादा प्रयोग होता है, तो हर गीत में आपको ये स्पर्श स्वर का, कंठ स्वर का बहुत अच्छे से प्रयोग होता है। कंठ स्वर का प्रयोग हर गीत प्रकार में होता है। जो चीज़ आप, मैं जब मुर्की की बात करूंगी, मैं उसमें बताऊंगी कि मुर्की को कौन कौन सा गीत में, कौन कौन सा गीत प्रकार में यूज करते हैं, लेकिन जो कंठ स्वर है उसको हर गीत में, मतलब हर गीत के प्रकार में, चाहे वो क्लासिकल हो, लाइट म्यूजिक, भजन, गजल, फोक, हर गीत प्रकार में यूज किया जाता है। इसलिए आपके आवाज में इनका होना या इनका प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहती हूँ, देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस हैं, तो कैसे प्रैक्टिस करना है वो भी है, लेकिन मुझे एक बात लगा कि अगर कोई रिलीजियसली, ऑनेस्टली अलंकार की प्रैक्टिस करे ना, तो वो उनके आवाज़ में आ ही जाता है। अलंकार की प्रैक्टिस मतलब जैसे स्लो में गाना है, द्रुत में गाना है, अति द्रुत में गाना है, ठहराव के साथ गाना है, ये जो एक्सरसाइज हम गले की करते हैं ना, उसी से हमारे गले में ये सब हरकतें आ जाती है। मुझे बहुत ही आश्चर्य लगता है कि लोग इसको अलग तरीके से क्यों देखते हैं। नहीं, करना चाहिए, मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप नहीं करिए, करिए, लेकिन आप अगर बेसिक बातों को, बेसिक चीज़ों को ध्यान से करेंगे ना, तो वो बात की जो बहुत डिफिकल्ट चीज़ है ना, वो ऑटोमेटिक आ जाती है। लोग आजकल ये YouTube देख के या और भी सोशल मीडिया फॉलो करके बहुत एडवांस सोचना शुरू कर देते हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा है, अच्छे से सुर नहीं लगता है, मतलब सारेगामा वादनीसा सानिधपा मगरेसा, जो शुद्ध स्वर है वो लगता नहीं है, लेकिन वो बात करेंगे गमक की, आंदोलन की, मीड की, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं। वो पहले अपना जो शुद्ध स्वर और कोमल स्वर, तीव्र स्वर, उन स्वरों को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। एक बात आप ध्यान से सुनिए कि पहले आप देखिए कि आपका आवाज या आपका जो गायन है इन शुद्ध स्वर को अच्छे से गा पा रहा है या नहीं, पहले वो देखिए। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, ये थोड़ा एडवांस लेवल है। आप अभी जुम्मा 3-4 महीना सीखना शुरू किया और आप चले गमक गाने के लिए, आप चले खटका गाने के लिए, ये बहुत गलत है। ये बात जब आपके समझ में आएगा कि मेरे आवाज में पहले शुद्ध स्वर जो एकदम फ्लैट करके मैं गा सकता हूं या गा सकती हूं, वो आ रहा है कि नहीं, उनको पहले लाने की कोशिश कीजिए। वो अगर आ जाएगा, उसके बाद आप इन सारे चीज़ों का प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एक बात है,
आप जब राग सीखते हैं या गीत सीखते हैं, देखिए ये जो बातें हैं ना, जो मैंने अभी जो शब्दों का प्रयोग किया है, ये शब्दों का प्रयोग ज़्यादातर होता है क्लासिकल म्यूज़िक में, ठीक है। क्लासिकल म्यूज़िक जब आप सीखना शुरू करते हैं और आपको पता है कि भाई ये हमारा माता है, मतलब क्लासिकल म्यूज़िक हमारा बेस है, अगर हम क्लासिकल म्यूज़िक सीखते हैं तो बहुत सारी चीज़ अपने आप आ जाती है, ठीक है। अगर आप सीख रहे हैं तो उसमें ही तो छिपा हुआ है ये सब, उनको आप बहुत रिस्पेक्टफुल सीखिए। जैसे मैंने अभी राग भीमपलासी बोला, यमन बोला, भूपाली, दुर्गा, काफ़ी, आप ना वो जो राग है उन रागों में किस किस तरीके से ये कर्ण स्वर यूज़ होता है या खटका यूज़ होता है, मीड यूज़ होता है, उस पर ध्यान दीजिए, उसमें फोकस कीजिए। आप अगर किसी गुरु से सीख रहे हैं तो आप उनको पूछिए कि ये राग में मुझे कर्ण स्वर कहाँ लेना है, मीड कहाँ लेना है, गमक है या नहीं, कहाँ लेना है, वो पूछिए, वही आपको बता देंगे। क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा, जैसे आपने एक राग सीख रहे हैं तो आप अगर ये वीडियो मेरा देख रहे हैं तो आपको पता तो चल जाएगा कि हाँ इस तरीके का हम आवाज़ को घुमाएंगे तो ये काम होगा, ठीक है, इसका नाम ये है, इसको प्रैक्टिस हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो पहले मैं सिर्फ अभी कर्ण स्वर की बात कर रही हूँ, तो कर्ण स्वर के लिए आप राग को बहुत अच्छे से सीखिए, राग में ही छिपा हुआ है ये सारी चीज़, उनको आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप कर्ण स्वर के लिए अलग प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है आपको उसका एप्लीकेशन पता नहीं चलेगा। क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं ऐसा अलग से आपको एक दो अलंकार बता दूंगी, तो अलंकार तो आप ऑलरेडी गाते ही होंगे, अलंकार का प्रैक्टिस तो आप करते ही होंगे, तो इसको अलग तरीके से प्रैक्टिस करने से हो सकता है कि जहां पर जरूरत नहीं है वहां पर आपने एक कर्ण स्वर दे दिया और उसको जरूरत नहीं है, क्योंकि सब स्वर तो शुद्ध नहीं होते, सभी रागों में स्वर शुद्ध नहीं होते, कम कोमल स्वर होगा, तीव्र होगा या वर्जित स्वर होगा। कभी कभी क्या होता है कि जैसे भीमपलासी में आरोह में रे और ध वर्जित है, अब आपने आरोह में कुछ और स्वर का कर्ण ले लिया या स्पर्श ले लिया जबकि उसमें जरूरत नहीं है, तो गलत हो जाएगा ना। इसलिए इनका यूज करने के लिए आपको थोड़ा लॉजिकल यूज करना पड़ेगा, मतलब जो चीज आप सुने हैं या सीखे हैं अपने आप से आप प्रयोग मत कीजिए। आपकी आवाज में आ तो जाएगा लेकिन वो गलत प्रैक्टिस करके कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। इसलिए आप इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे लगता है कि आप बहुत जल्दी सीखेंगे भी, आपके गायन बहुत समृद्ध होगा। तो किस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे, शुद्ध स्वर गाइए, कोमल तीव्र स्वर गाइए, उसका आकार वगैरह गाइए, अलंकार की प्रैक्टिस कीजिए, राग सीखिए, राग में देखिए किस तरीके से उन स्वरों को अप्लाई किया जा रहा है, उसमें से कर्ण स्वर या स्पर्श स्वर कौन कौन सा है। आगे जो मैं वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं बताऊंगी एक ही लाइन में वो सारे ऑर्नामेंटेशन किस तरीके से प्रयोग हो रहा है। ये कर्ण स्वर को लिखते कैसे हैं आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रही हूं। जो मेन स्वर होता है उसके ऊपर छोटा सा एक जो स्वर लिखा रहता है उसको कर्ण स्वर बोलते हैं। ये भातखंडे लिपि में इस तरीके से लिखा जाता है, जो स्वर है उसके ऊपर छोटा सा, अगर रे में म का कर्ण है तो म का टच देना है। अभी मैं आपको तीन रागों का कर्ण स्वर के साथ आरोह अवरोह सुना देती हूँ। सारे सारे गा बगा सारे गा बस पोस्टेट धा सादा सादा
धा में सा का कंठ, सा द प, प को मैंने स्ट्रेट लिया, आप ले सकते हैं सा द प ग प ग, लिया रे गरे सा, ठीक है। उसके बाद है यमन, देखिए नी रे नी ग रे नी रे ग म ग, ओके नी रे ग म प ध, धा में नी का कण, ध नी सा नी द प म ग रे सा। राग भैरव, सा रे को मैंने कोमल लिया, लेकिन इसमें थोड़ा आंदोलन होगा, इसके लिए मैं बाद में वीडियो बनाऊंगी, लेकिन अभी जस्ट ऐसे ही बता देती हूँ। सा रे गा मा पा रा नी सा, मा ग पे भी म का कण, म ग रे सा म द ग म द द नि द नि द, तो ध ध में नी का कण, और ये आंदोलन भी हो रहा है ग म द प ग म रे। तो इस तरीके से आप हर राग के आरोह अवरोह में, बंदिश में, आलाप में, बहलाव में आप कर्ण स्वर का प्रयोग कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको काम में आया होगा। देखा आपने कितना बड़ा वीडियो मैंने बना दिया। ऐसा ही होता है, मैं जब बोलना शुरू करती हूँ या सिखाना शुरू करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है पूरी बात को आपसे शेयर करना चाहिए। अगर आपको इसके अलावा कुछ सीखना है या जानना है, आप कमेंट कीजिए। देखिए, मैंने आपके कमेंट से ही ये वीडियो बनाया। आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, तभी उनको भी पता चलेगा कि हाँ, इस तरीके का वीडियो बनाया जा रहा है और उनको भी कुछ सीखने को मिलेगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए ना, क्यों इतना कंजूसी कर रहे हैं। वीडियो आप देखते हैं, मुझे पता है बहुत सारे लोग मेरे वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, लेकिन ये तो नाइंसाफी है ना, ये एब्सोल्युटली फ्री है, कर दीजिए सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नमस्कार।